हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास फर्स्ट का मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2C। हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे खूब अच्छी तरह ध्यान से समझेंगे, तभी समझ में आएगा। बहुत ही आसान है आज का टॉपिक। क्या है? फिल इन द बॉक्सेस। फिल मतलब भरिए, इन द बॉक्सेस ए यार जो सर्कल बना हुआ है इसी में हमें भरना है। क्या भरना है? बाई यूजिंग, प्रयोग करते हुए, ग्रेटर देन। ये साइन जहां बनता है, मैंने क्या बताया, आप लोग नहीं जान रहे हो तो लर्न कर लो, इस साइन को हम ग्रेटर देन पढ़ते हैं। और ये साइन वहां लगाते हैं जो नंबर अपने सामने वाले नंबर से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। बड़ी नंबर जब होता है ना कोई नंबर, तो उसके सामने हम ये साइन लगा देते हैं। आर इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। इसको पढ़ते हैं इक्वल टू, ठीक है। ये वहां लगाते हैं जब कोई नंबर अपने सामने वाले नंबर के बराबर हो। ये इसको पढ़ते हैं लेस देन। लेस देन का मतलब छोटा। छोटा मतलब जब कोई नंबर अपने सामने वाले नंबर से छोटा हो, वहां पे हम ये साइन यूज करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है। इतने ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक दो बताऊंगा, शेष आप अपने मन से करेंगे। ये वन सब में टू टू डिजिट है। अगर दो दो डिजिट है तो पहले डिजिट को देखो, वन वन मिल रहा है, फिर दूसरे डिजिट को देखो, टू फाइव। यहां टू है, उधर फाइव है, इसका मतलब ये नंबर उस नंबर से छोटा हो गया, क्योंकि ये 12 हो गया, वो 15 हो गया। ये नंबर अपने सामने वाले नंबर से छोटा है ना, क्योंकि 12 के बाद 15 आता है, 15 बड़ा है, ये छोटा है। तो छोटा के लिए क्या लगाएंगे? लेस देन। ऐसे लगाएंगे 7 7 2 2, बराबर है ये। तो बराबर के लिए कौन सा साइन लगाते हैं? इक्वल टू। 9 8, पहले नंबर को ही तुलना कर लो, 9 बड़ा है 8 से, इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया। अगर पहला नंबर मिल रहा है तब दूसरे नंबर पर जाते हैं। जब पहला नंबर यहाँ 9 है, यहाँ पहला 8 है, टेंस का डिजिट दहाई का, तो पहला ये बड़ा है, तो पहला नंबर उससे बड़ा हो गया। अब बड़ा के लिए ग्रेटर देन, बस ऐसे आपको लगाना है। थैंक यू बच्चों, आप आराम से अच्छे से कर लेंगे। शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।